एको जन्म रूपनगर के मायने हुई है। रूपनगर में पुरानी टाइम के मायने रावणियों गांव कहता है। पर बाद में देखो मार्शल जेना कोई मिल गया कि और रावणियों का नाम ही खराब है तो मिल गए इनकी सुधार कर पाते रूपनगर। रूपनगर के मायने ए भाई जी जन्मिया। देखो भगवान भक्ता के माते केन प्रश्न लिया करे केड़ी केड़ी लीला भगत रचे और केड़ा केड़ा मेरे गुरु मिले। कथा कहूं सती मात की सुन जो ध्यान लगाए भूल चूक सब समा करो माफ करो विसराय मां ममता की मोती दे गई कर गई जग में शक्ति को रूपनगर में जन्म लियो घर घर मंगल चारे माँ ममता की मोती दे गई कर गई जग में नाम शक्ति का अवतार था वो रूप कुंवर था। राजपूता घर के महीने जन्म लियो जन्म लेता ही एक विधि विवाह करे आप पंडितन बुलाया करा। हालांकि बुलाया करे लड़का के संबंध में लड़की में बहुत कम पंडित बुलाया करे। आजकल कुछ जागृति आई जो लड़का लड़की सब लोग बराबर भी समझो आवश्यक तो बटा का मैं पिताजी आ जाएगा कहीं बात करे
जब पंडित घर आवे पंडित घर में ज्ञानी आवे बेटी पंडित ज्ञानी रावण आवे पंडित ज्ञानी पंडित ठाकुर साहब ने पूछे के पंडित जी मारे भाई जी जन्मिया है को आप नामकरण करो और एक भाग्य बताओ पंडित बैठ जाते के माते और ठाकुर साहब ने कहे ठाकुर साहब एक पहली मांगी बात भी सुनो एक पूर्व में लेको जो को करा आप पांच मिनट शांति करो बेकेबा अमल की मनवार भी जैसे पंडित ज्ञानी पंडित विद्वान पंडित मेरे को लेको जो को मिलियो तो पंडित ठाकुर साहब से कहीं एक संदेश दे काफी देर देख रही पंडित जी बोलिया बोली ठाकुर पूछे कि पंडित जी आप बोलो कोनी बात कही है कि बोलना कहीं मामलो कुछ करो आवे वहां का शास्त्र के भाई क्यों कहीं करो आवे पंडित कहे बच्ची को नाम संसार उजागर नाम है क्यों महाराज बढ़िया क्यों और आगे खटको दूध है जग में ओसी नाम उजागर जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र अगर कन्या जन्मे तो वो पूरो ही भार पति पर लिया करे जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र जिनको भार रहे पति पर तो काई भाई महाराज बाढ़ विधवा हो जा सी भाई पंडित यू फुरमा पंडित आपकी भाषा ही जी पूरी पलट दी क्यों महाराज बारह नक्षत्र में माँ के टीपड़ा में माँ का हुगना के मई ने बाई जी विधवा गई पक्की खबर
आगे ना पंडित भी वेंदा और मानता भी आ अगर कोई कन्या का पिता सुन ले तो मैं सबर के ना आया सबर भी बहुत मुश्किल हो आया है मन में विचार करें एक टोट को नहीं लिया करे जब ठाकर मने में घबरावे जब ठाकर मने में घबरावे नक्षत्र करड़ा दान दिरावे नक्षत्र करड़ा दान दिरावे जब सूरज हो जब तप हो सूरज उजलावे जब तप हो सूरज उजलावे बाबुन घर दान दिया करड़ा नक्षत्र आ जाया करे टोट का भी पंडित लोग बताया करे दानवान जब तब तो होम सूरज बुझवावे बचपन बीता बाबुल घर में राम नाम को चाव भाई जी ने छेड़ दी जन्म हुई जबान संभाली उन्हें राम जी को नाम फेल फेल मुंडा पर आयो शास्त्र और साधुआ बात लिखे आप लोग विचार करो ठाकुर साहब से बात को पतो हो कि भाई भाई पंडित बात की थी कि झूठ नहीं है फिर भी आपकी लड़की ने कोई घर में नहीं रखा चाहे मन में विचार करियो सखिया के संग खेलने लागी सखिया के संग बचपन गीता आई जवानी बचपन गीता आई जवानी जब ठाकुर ने बचपन बीता आई जवानी माता पिता विचार कर कि आपने पास में गांव है उनके महीने की सगाई कर दी
او بھی ویچارو او بھی بن ویچارو سگائی کرن پنڈتاں دی بات جھوٹی بھی نہیں جاندی آ بھی اچھی بالا گاؤں کے مہینے اور اس تو تیویو جھنجار سنگھ جی نام ان کا پتی کو ہو اور میں فوج میں ہوں بھارتی فوج کے مہینے شادی ہوئے گی ہنسی خوشی شیک لاگی بھائی جی نے پنائی بھی دیا کھٹکو گڑو ہی من میں ہو دکھ بھی ہو شادی بھی لے گی لاڈ گوڈ اسی سی رہی لیکن میں کہا پیتا دیا دیا وہ ایک سن سے ہو سائز پنڈت کی بات سچی نہیں ہے بھگوان کو بار بار پرارتھنا کرتا ہے بھگوان ہماری لاد رکھ لیجیے پنڈت کی بات جھوٹی پر ہونی نہ کچھ اور ہی منظور لیا کرے پندرہ برس کی عمر کے مہینے شادی ہوئی پندرہ دن ویا ساس لے گیا اور بھگوان کی لیلا کچھ الٹی پھری گڑیا آئی پتی دل شر جس سائے
15 دن رہی سواد سندوری پنڈیتا ہی بات سوچ کا صحیح 15 دن میں جو سواگ ریو 16 دن پتی فوج میں کام آئے 15 دن رہی سواگ سندوری کرم گتی ترے نہیں ٹاری 15 برس عمریاں والی جب ویرہے کی گھڑیاں آئی پتی گئے سورج سیدھا بہت بھاری دکھ بھی ہو بالا روپ نگر کے مہینہ جان گیو جناب میں بھی خوب پستایا گیا پنڈت کی دگی 100% بات صحیح ستی جی من میں وچار کریو پن توڑ دی نہیں لیو گئے کہ میں مارا پتی گتی تے ستی ہو ستی نہ اون دی نو لگو چالو لیکن سنتا کی کرپا ستی جی کے گرو آ گلاب داس بہت اچ کوٹی کا سنت ودوان سنت اور ترکال درس ان ٹائم پہ جو دھر جانتا اور دستا کے مہینے وہ گاؤں پڑے ذرا ہلچل ہونی ذرا گیا کیوں ہوئی آپ کے شیشے ہے جیسی آئے گی گھٹنا ذرا مارا جار میں نے سامت نہ دی بھی کیوں بیٹا ہونہار نے کوئی نہیں ٹال سکے اور تو جو من میں سوچی ہے نبا بات میں سمجھ تھا رہوں حال بھگوان نے کچھ اور کام لینو ہے تھا اور بھی دھارا کے مہینے سنگٹ آئے لیکن تو ستیاں ویچار چھوڑ حال سنسار میں تھانکی ضرورت ہے مہاراج تو کہے ہو اور آپ کا گرو مہاراج کو آدیش سرو دھاریے کر سین کری بات میں ان دن سین کری جنہیں پرن دی ہوگے پرن ایڑ پرن دی ہو ایک ٹیم ان پانی لینو تو ان لیوے انی ٹیم ہی پانی لینو اور پاتے 24 گھنٹہ ہوں ان لیوے تو انی ٹیم پاتے پانی گھنے ہوگے آنیگ بھائی پانی بار بار کرنو اور ان ایک کرنے ہی اگر ایک بجے ان گرین کرے تو ایک بجے پانی 24 گھنٹہ ہوں پاتے ان گرین کرے تو وہ ہی پانی لوگ پوچھو کہ ستی جی آپ اناڑی دبات جزگی ایک آڑی ایک اوزن جزیا پر پانی آنی دچی گھنے ستی جی ہتا سویر کیو کہ بھائی سنسار کے مہین من اب رینو جینو بھی نہیں ای واسطے میں آج سوچوں کہ بھائی تھا بھی نہیں پڑے میں مارا بھگوان اجار مل جو پرن کریو सरना लीना सती जी का राज्य देवा शंकर भगवान अंबर ओढ़न भोम बिछावन कपड़ा लता विशेष नहीं ध्यान रखियो नहीं हाथ चटाई ली कुछ नहीं केवल अंबर आसमान दौड़न नाल हो और भोम बिछावन नाली शरीर तन पर कपड़ा है वे भी काम लिया और उन काम में भी भजन किया अंबर ओढ़न भोम बिछावन रटे राम को नाम
ستی جی نے کافی آپ جڑا لوگ سمجھایا کہ جی یار آپ کی عمریاں ہیں جی اوچھی ہے نیویت آپ کو بچہ گود نہیں دیا گود کو وچار کریو تو ستی جی مان گا کہ وہ ٹھیک ہے مارے وہ جیٹ کو لڑکو تو وہ ٹھیک ہے کیوں سیوکاریا سمجھداریا آگے کہ وہ ہے سیوا کرے سب ہی نر ناری بال ودوا کو پورا پریوار لاڈ بھی زیادہ رکھے سیوا کرے سب ہی نر ناری بھگوان کو نام لینو سیوا کرنی سب بابا میں دھیان بھی کوئی رہی ہوئے پرماتما کو دیکھو ہوڑی نے اور بھی منظور نہیں ہو رام سنداس جی مہاراج فرمائے ہو کہ جو آپ کرم کریا بار اے سنسیت ویر پرانند بنیا کوئی ہاتھوں مکان بنا لیا کرے سب واسطے دیکھ دکار کے بھائی میں کسر کٹھی نہیں ہے رسوئی کی جگہ رسوئی نال کی جگہ نال واش بیسن کی جگہ واش بیسن اور وغیرہ وغیرہ سب ٹھان ٹھان ہے بھی گھر کے میں کوئی سمسیا پیدا ہوئے کہ رام سنداس جی مہاراج نے کوئی بھگت کیا کہ باپ جی گھر پورا بھی جان بنایو اور واسطے شاستر بنایو لیکن ہمارا آج بھی شانتی کو نہیں باپ جی فرمایو بھائی واسطے جو بیماری ہے وہ تو نکل گئی بار لیکن جو پرارلبد کی بیماری ہے وہ واسطے جنیا تو ستی جی کا پرارلبد کو سنسکار کوئی اور ہو وہ بھی میں نے ساتھ نہیں دیا برہ کی گھڑیاں ایک سمے پھر ایسی آئی ایک سمے پھر برہ کی گھڑیاں سرگ سدائی سرگ سدائی ماں سسی ہاں
एक समय ऐसी फिर आई ग्रह की घड़ियां फिर मंडराई, पुत्र अपना वो गया स्वर्ग सीधाई, वो गोद लियो जो वो टावर भी ईश्वर ने प्यारो। आदमी क्या करेगा, मारे दुख कड़ो खुलियो सा घड़ो गाय खुले थे मान लोग एक रूमड़ो भेजा जगह भी कह नहीं महाराज भारत गलती में भगवान पूरा ही दोषी है मारे दा गड़बड़ कर दी। एड़ा संता का और एड़ा सतिया जगह ने भी भगवान दुख दर्द दे तो अपना पुत्र वो गया स्वर्ग सिधाई। सती जी रोणो दोणो बंद कर पूरो और एक ही मन के मैंने दृढ़पण दे लियो अब बच्चा के लारे सती है बिन मां सती किया गया। पूरा ने घोषणा कर दी बाड़ा के मैंने भाई अब मारो जीनो नहीं। सती जी कहे जब सती दृढ़ पड़ी अब कीना सती मन में दृढ़ पण कीना अन पानी सब ही तज दीना। उन टाइम के महीने तो सती जी आपका पति गिलार एक टाइम अन पानी करता और जो दत्तक पुत्रा गोद लियोड़ा मैं किया घटना घटी जब मैं विचार कर लियो कम संसार में मन जीनो भी नहीं है तब सती दंड पड़ मन कीना अन्न पानी सब ही तज दीना। उन दिनों अन्न जल पानी सब ही अब दुनिया में नहीं है जीना। बिरह की घड़ियां फिर मंडराई रटे राम को नाम की अब जीनो भी मन नहीं। व्यवस्था पूरी कर ली उन्हीं टाइम दादा गुलाब दास जी फेर पधारे बाड़ा के मैं त्रिकाल दर्शिया मेरी बात को ध्यान रखो भाई जी यार हट छोड़ो तो बाप जी उड़ाओ वो जोधपुर जाऊं नालो महाराज पैदली जाता पैदली बीते महाराज क्यों भाई गांव में हलचल का बात गई क्यों बाप जी आपके जो शिष्य है बे का पुत्र कोई गोद लिया जो बे पुत्र काम आएगा जरा बे सती होगी बेलार की अब बात होगी भाई दाता दार मैंने पूछो समझाया क्यों बेटा मैं तन क्यों नहीं हाल थार दुनिया काम है संसार के महीने हाल बहुत काम करना अपन सती अणो बहुत परम पवित्र धर्म है लेकिन यू ही ऊंचो धर्म है साध सती और सूरवा इन्हीं में नहीं मेल ये तो सदा गवन में डोले संत चढ़े उसपे सतियों ही बारे संत भिन्न भिन्न प्रकार समझाया आपका सतगुरु उल्लंघन करनी भी नहीं चाहे क्यों बाप जी ठीक है आपके वो तो कोनी में पर मन ही संसार जीनो नहीं है मन अन्न पानी आज भी त्याग दियो मन मरनो ही मरनो दादा गुलाबदास जी फरमायो
کہ بیٹا جا تو را کے سائیاں مار سکے نہ کوئی تو کتو ہی چھوڑ دے لیکن بھگوان تن مرن نہیں دے اتے کر لے باڑن باتا کر سکے جو جد میری ہو گلاب داس جی مہاراجا بات کر کہ وہ ایڑو کام نہیں کرنا اور بھگوان کا بھجن کرو اور بھکتی کو پربھاؤ پھیلاؤ پہلی فرمائیو جی دھرم کو پرچار کرو ستی جی آپ کا گرو مہاراج کو بچن کو کہنو کریو الگن نہیں کریو اور کائیں کہے ससी मने धीरज की नास तब ससी मने धीरज की नास अन पाणी सजे हित जदीना अन पाणी सजे हित जदीना शिव शंकर का گلاب داس جی دوارا سمجھایا تو دھیرج دھارن کریو اور من میں سنکلپ لیو باپ جی گھنو کیو گنان پانی چھوڑ دیو سو تیاگ دیو سو تیاگ دیو ایک ٹائم ان پانی سب ہی تج دینا شیو شنکر کا سرنا لینا امبر اوڈن ڈھول بچاؤن رٹے رام بوئی وستر اور بھائی آشر اور بھگوان کو भजन राजा हरिश्चंद्र आपका पूरा राजपाट को दान कर दिया छोटी सी कथा है कहावत है दान कर दिया तो दान की भरपाई विश्वामित्र जी ने पूरी नहीं हुई कि दान ही वो घंटों कर दियो 60 मन सोना को राजपाट तो गियो गियो पर 60 मन सोना मामूल और को 60 मन सोना मामूली चीज नहीं अगर 60 बार तो राजा हरिश्चंद्र आपका अंबकाश के महीने गुमसुम बैठा और रानी तारामती गया आपका पति ने उदास देखा क्यों महाराज आज उदास के दान तो आप खाली कर दियो क्यों महारानी आ बात नहीं है लेकिन अब 60 मन सोनो जावा कटो कुछ तो दे दियो अब और बाकी है जो को महाराज के ना अपन दे निरिया ही वास्ते मने एडो लागे के नी वे तो अपन को दियोड़ा में अबर पलाय ले के जे महाराज मानो तो इतो ही ठीक है नी मानो को मर्जी आप रानी तारामती जी विशेष आग्रह कर दियो भगवान पतिदेव एक मारी अर्ज है आप क्यों बोलो क्यों धनाई अनाई धन धान आय जागिन आय राज आय पाट आय घोड़ा आय गज आय बाज आय सब आय अब के नहीं तो अब के मिल सी लेकिन जो आ जबानू बात करोड़ी अगर आप घमाई दी ना तो आ बात संसार के महीने पाची कदी नहीं आ तारामती कहे
सतमत छोड़ी साईवा सतमत छोड़ी साईवा सत छोड़िया पत जाई सत की वांदी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए ओ सत्य है ओ यही संसार के मैं भगवान मानो धर्म मानो ईश्वर मानो संत मानो सत्य है कितनी बड़ी बात की सत मत छोड़ी साई बा सत छोड़िया पत जाए और लक्ष्मी जानती जाती रही की कोनी आ देर कर लो कोनी हमेशा चंचला ठाण रिया ही नहीं करे सत मत छोड़ी साई बा सत छोड़िया पत जाए सत की बांधी लक्ष्मी आ फेर मिले लिया आप सत्य पर रहे हो पाछी भी अपन मिल जा पाछी भी आ मिली और बहन भी मिल गई बहन इनी प्रकार सती जी आपका भजना के महीने विशेष ध्यान दियो देखो वंचित सब ही फल पावे पूरी दुनिया वासना भूली पूरा संसार कियो जी भाई जी सती जी पानी छोड़ दियो और बड़ा बड़ा मोटा मोटा पर्चिया देवे पूरा ही देखना आवे दर्शन ना आवे मन वंचित जगो बे को मन की शुभ कर्म को फलो वो भी वे प्राप्त मिले मर्दर देश बाड़ा के माई सतयुग दियो दर्शा कलियुग के महीने भी सतियों को कोरो सती जी बाड़ा के महीने पैदा कर भगवान की लीला न्यारी लिया करे संत विभिन्न नहीं समझ सके तो आप तो समझ भी खाई सका सती जी महाराज आपको घर बार छोड़ियो और वन के मायने पधारिया लोग प्रार्थना करी कि आप जी आप अठे भी भजन कर सको क्यों नहीं साधु को काम गांव में रहने को नहीं दिया मन तो बाहर ही निकलना है आपका घर बार सब सच तज घर बार बाहिरी जब आया तज घर बार बाहिरी
भजन करे की पड़की छाया शिव शंकर की देखो माया शिव शंकर की देखो माया एक भुजंगी परायत दिन के एक भुजंगी परायत दिन के सेवा करे सती मात की जगदम्ब मात की चतुर्भुजनाथ भगवान की तज घर बार बाहिर जब आया भजन करे पीपल की छाया। अब देखो करामात संता की भक्ता की एक शिव शंकर की ऐसी माया। पहले आपने मैं निवेदन करियो सती जी के भगवान शंकर को इष्ट हो सबसे बड़ो इष्ट भगवान एड़ी लीला फैलाई सती जी उन टाइम भजन के में बैठता ध्यान माला में एक भुजंग की पैराई जिनके सेवा करे दिन रे एक सर्प को चारों मेर में जटा तक ध्यान में रहता और भजन करता चार घंटा छह घंटा जन करें कुंडली मारियो बैठ रहते हर एक भगत कोई करने भी नहीं जा सकता एक भुजंगी पहराई जिनके सेवा करे दिन रे भगवान की संता पर एड़ी कृपा होती कोई कहे संत काई चीज लिया करे। अब देखो संत जट रे वे जट भोजन प्रसाद भी मिले एर भोजन प्रसाद भी ठाओ मिले आपको राम रसोड़ की महिमा भारी राम रसोड़ की महिमा भारी भोजन करे सभी नर नारी भोजन करे सभी नर नारी हरि भक्ता की राम रसोड़े की महिमा न्यारी सभी भोजन करे नर नारी सबने एक बराबर समझे राजा रंग भुकी भगवती सती जी महाराज सबने बरोबर पंगत में जंकी जो की देसी जाति भी हिसाब पंगत में बैठा आप खुद प्रसाद हाथ उतरा जरा सती जी हाथ उतरा तो जरा भक्ता को मान सोगुना बढ़ जाती है केड़ी विभूति को अगर प्रसाद हाथ में मिलते भाग जागरू ही हो
आगे केवे सन सन दूध घीरत का नहीं है घाटा घर याद आवे क्यों माँ ममता का मोती दे गई कर गई जग में ना शक्ति का अवतार था उनका रूप एक समय की बात निराली एक समय की बात निराली चौदिस देखो पानी पानी चौदिस देखो पानी पानी गिर गए गांव से चारों तरफ पानी ही पानी गिर गए शेर गांव और ढाणी हाहाकार मचो मर धर में करे प्रभु ने याद रे बड़ा ऊपर बड़ा बेवा ऊपर थाना देऊ नाला बाप जी की कृपा में एक बाण गंगा के बीच के में एक शिव मंदिर बनाए दी गंगा की धार के बीच के में पतो हो लेकिन कुछ दिखानो भी हो छत्तीस की बाढ़ के महीने बाढ़ आई उन टाइम बाबजी सबसे मंदिर के महीने अंदर में मंदिर नदी साढ़ी तीन फुट मंदिर की लग ऊंची सिर्फ और पानी बे तो साढ़ी छह फुट का ऊंचाड़ा ऊपर मंदिर है बरोबर
हाहाकार मचो वनधर में रटे प्रभु ने करे प्रभु ने याद मंदिर के महीने बाप जी विराजा पूरा बाड़ा गांव देखो पूरा भी का भावी खान का मारे हाथ में प्रार्थना करे बाप जी मंदिर बाहिरे सब नर नारी मंदिर बाहिरे सब नर नारी सतिया रजस में लीजो मारी सतिया रजस में लीजो मारी हरि भक्ता की मर जाऊं मंदिर नहीं छोड़ूं मर जाऊं मंदिर नहीं छोड़ूं दृढ़ पड़ लीनू धार ममता की दे गई कर गई जग मंदिर बाहर सब ही नर नारी एक लाई बाप जी को इन विराजार बाढ़ आएगी मंदिर बाहर सब ही नर नारी मात अर्ज सुन लीजियो मारी सब प्रार्थना करे बारो वो पानी पकड़ दे हाडी छे फुट की धार को पानी पेट को मात अर्ज सुन लीजियो मारी हरि भक्ता की लीला न्यारी बाप जी ने गणो ही फुरमायो मैं बाप जी अंत में जवाब दियो मर जाऊं मंदिर नहीं छोड़ूं दृढ़ पण दीनो धार क्यों भाई प्राण निकल तो शिव शंकर के जोड़ी निकल बाप जी अटे मारे दाता बारे नहीं आशा मना कर दी सात दिवस तक मंदिर अंदर सात दिवस तक मंदिर अंदर जिनकी साई करी जगदीश्वर जिनकी साई करी जगदीश्वर हरि भक्ता की परीक्षा हरि भक्ता मंदिर अंदर सात दिन तक मैं नरिया पानी को बीच सात दिवस तक मंदिर अंदर जिनकी साई करी जगदीश्वर भक्ता की लीवी परीक्षा पानी दियो उतार सातवें दिन पानी अपना आप नीचे आयो हेलीकॉप्टर को भी मैं हेल क्यों जिनकी साई करी जगदीश्वर एक पर्चो भाई और दियो आ बात पहुंचता पहुंचता ज्ञान विज्ञान ऊपर विया करे ज्ञान से विज्ञान ऊपर होता है ए विज्ञान यान पहुंचे विज्ञान यान पहुंचता पहुंचता दिल्ली का राष्ट्रपति को पहुंचे राष्ट्रपति उनके वीवी गिरी आ वीवी गिरी वीवी गिरी तो बे आ बात सुनी क्यों जी आप विज्ञान की बात करो बाड़ा गमई ने एड़ा सती है जगह 40 साल वन पानी नहीं ले रिया राज जीव तो बैठ गए ये कैसे हो सकता है क्यों बात सही है आ सही इधर बुलाओ मांगा गंगा राष्ट्रपति हुकुम में इधर कौन नहीं आवे बात बड़ी राष्ट्रपति सुनी बात निराली राष्ट्रपति सुनी बात निराली
राष्ट्रपति सुनी बात निराली बिना अंजल के से जीवे प्राणी कि बेन साटे खानो मिलतो मिठाई बोली भूखाई चीज है। राष्ट्रपति सुनी बात निराली बिना अंजल के से जीवे प्राणी लेने आए संत और ज्ञानी बेन मेरा ही लेना आवे बार कोई फौजड़ा कमांडर आता तो जानता थोड़ा। सती जी ने आ राष्ट्रपति की बात कही सती जी नटगा कि भाई मन काही करनो प्रमाण दे रहे जरा आप जरा सब की हो जी आप नहीं हाल हो जरा धर्म की हानि वेर हांसी वे जाए पूरी की हाँ बात झूठी है। आपने पदार न पड़ी जरा हुकारो दियो रवाने दिया लेने आए संत और ज्ञानी सात दिवस तक दिल्ली माई सती दियो प्रमाण सात दिवस तक एसी जा फीसी जा कार्डियोलॉजी कैमरा फेमरा मोटा मोटा डॉक्टर नारी नारी नशा के महीने पूरी जांच करनी पड़ मैंने जीव को पत्तो ही बोल लगे जीव रेव कटे जीव कटे यार मैं भी सात दिन के बाद में सती जी का चरण स्पर्श कर और क्यों आप बड़ा बहुत बड़ा अंत समय भगवान का घरा रवान की रेणी ही देखी। आपने एहसास भी देखो कि मन परमात्मा अभी बुला रही है अत्या दिन हुकुम को नहीं हो अब हमारा राम जी को हेलो आयो और अब मैं तू रवान वे तो आप कार्तिक सुद चवे दस के माई कार्तिक सुद पगे चांदनी चवे दस जब आई चांदनी चवे दस जब आई सब भगताने शुभ माई चांदनी चौदस जब आई
भगवान का घर को बुलाओ आयो है सती जी अनुताई राजी या क्यों संसार के में दुख घणो देखियो बहुत ज्यादा दुख पाया बहुत ही ज्यादा सब भक्ता ने दिया दिया बुलाई जिता आपका भक्ता जगन सब नमचार कर बुलाई गया पहली सती स्नान कियो गंगा जल से बोले जय जयकार स्नान करे नीचे ऊपर आकाश के मैंने जय की वाणी चाले जय जयकार ऊपर आवे बोले जय जयकार मां ममता का मोती दे गई कर गई जग में नाम शक्ति का अवतार था जिनका रूप कुंवर था अंत समय के महीने कर स्नान ध्यान सब की ना कर स्नान ध्यान जब की ना सर का से बेट सती बे कुंठ सिधाया बेट सती बे कुंठ सिधाया नर नारी ने पुष्प बरसाया नर नारी ने पुष्प बरसाया शक्ति की से सिंहासन आया तब सती बेकुंठ सिधाया आपको मन ही मन इस देव को ध्यान करियो श्वास ने कपाल के मिलाए संतान विधि याद दिया कर आपन नहीं है श्वास ने कपाल भांत के मिलाए छड़ायो और ब्रह्मांड द्वारा आप सत्य लोक की तरफ रवाने भिया तो संतो लिखेगा आकाश में फूल की वर्षा